नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंचुरी में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में टॉप करंट अफेयर्स देखने वाले थे। दोस्तों, करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। और करंट अफेयर्स जो है सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अनिवार्य है। तो जो दिन प्रतिदिन जो है करंट अफेयर्स जो कि परीक्षा में पूछे जाने वाले होते हैं, वैसे ही प्रश्नों के साथ मैं हमेशा आपके सामने आता हूँ। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि आने वाली तमाम वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो पहला प्रश्न दोस्तों कि केंद्र सरकार ने मिलिट्री पुलिस में कितना प्रतिशत महिलाओं को भर्ती जो है रिक्रूटमेंट करने का घोषणा किया है। ऑप्शन चार है, 10%, 15%, 20% या 25%। दोस्तों उत्तर है 20%, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, सेना पुलिस के कोर में पर्सनल विलो ऑफिसर रैंक की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। और सशस्त्र बलों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के मकसद से मिलिट्री पुलिस में चरणबद्ध तरीके से 20% महिलाओं को शामिल किया जाएगा। इसका फैसला दोस्तों 18 जनवरी को रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट करके ये घोषणा किया है। तो देखिए, मिलिट्री पुलिस में क्या भूमिका होगी, महिलाओं की भूमिका, तो महिलाओं की भूमिका के रूप में अगर देखा जाए तो सेना पुलिस में शामिल की जाने वाली महिलाएं दुष्कर्म और छेड़छाड़ जैसे मामलों की जाँच करेंगी। सेना पुलिस का रोल सैन्य प्रतिष्ठानों के साथ कैंटोनमेंट इलाकों की देखरेख करना होता है। सर्च ऑपरेशन, चेक पोस्ट या तलाशी व घेराबंदी अभियान के दौरान महिलाओं को खोजना होगा। सेना पुलिस शांति और युद्ध के समय जवानों और साजो सामान की मूवमेंट को संचालित करती है। तो दोस्तों, ये कुछ महिलाओं का जो भूमिका था मिलिट्री पुलिस में, इससे संबंधित था। अब देखिए, आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर दो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन किया है। देखिए, नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा का उद्घाटन पीएम मोदी ने कहा किया है। और ऑप्शन चार है, मुंबई, दिल्ली, पुणे या बेंगलोर। उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंबई। देखिए, 19 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई स्थित नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा के नए भवन का उद्घाटन किया है। और इस दौरान म्यूजियम की बारीकी से निरीक्षण भी उन्होंने किया है। और देखिए, देश का यह अपने तरह का इकलौता संग्रहालय है। यह दो इमारतों, नवीन संग्रहालय भवन और 19वीं शताब्दी के ऐतिहासिक महल गुलशन महल में स्थित है। तो याद रखना होगा, 19वीं शताब्दी के ऐतिहासिक महल गुलशन महल में स्थित है यह नवीन संग्रहालय, जुड़ा हुआ है। और इस दौरान उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों से भी बहुत सारे बात किया, संबोधित करते हुए पूछा हाउ इज द हाउस। तो पीएम मोदी का ये स्टाइल है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर तीन है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कब निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है अधिकार अधिनियम 2009, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, जिसे RTE के नाम से जाना जाता है। तो एक बात तो आपको ध्यान रखना होगा कि RTE अधिनियम जो है, वो एक्ट जो है 2009 में पास किया गया था, इस बात को बहुत ही ध्यान रखेंगे। और इसमें कब संशोधन को मंजूरी प्रदान किया है राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी ने, दोस्तों उत्तर है ये 10 जनवरी। तो 10 जनवरी को इन्होंने जो है अपनी मंजूरी दी है। अब देखिए, क्यों ये जरूरी था। तो शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है, और इसके तहत जो है वंचित बच्चों को मौलिक शिक्षा देनी है। इसमें फेल या पास करने का प्रावधान नहीं होने से बच्चे को जो पढ़ाई था उस पर असर दिखने लगा था। और प्राइमरी कक्षाओं में बच्चों का बेस जो है कमजोर हो गया था। इस वजह से 9वीं कक्षा में 50% से ज़्यादा बच्चे फेल होने लगे थे, और इसका असर 10वीं कक्षा के परिणाम पर भी पड़ने लगा था। तो राष्ट्रपति ने 10 जनवरी 2019 को RTE के संशोधन को मंजूरी दे दी है। और सेक्शन 16 में संशोधन किया गया है। इस सेक्शन में क्लाउज
एक और दो को जोड़ा गया है और कहा गया है कि प्रत्येक एकेडमिक वर्ष में 5वीं और 8वीं कक्षा में नियमित रूप से परीक्षा ली जाएगी। इसके अतिरिक्त दोस्तों अतिरिक्त कक्षाएं भी लिया जाएगा, यानी कि परीक्षा में फेल होने पर बच्चे को एक और मौका दिया जाएगा। दोबारा परीक्षा में बैठने से पहले अतिरिक्त कक्षा लगाकर पढ़ाया जाएगा। वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के 2 माह बाद अनिवार्य रूप से दोबारा परीक्षा में बैठने का अवसर भी प्रदान किया जाएगा। अब देखिए मौलिक अधिकार जो है मौलिक शिक्षा से वंचित के बारे में देखिए, तो RTE एक्ट 2009 के लागू होने से पहले देश भर में 6 से 14 वर्ष के 80 लाख बच्चे स्कूल शिक्षा से वंचित थे। इन बच्चों को वर्ष 2015 तक प्राथमिक शिक्षा दिलाने का लक्ष्य रखा गया था। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि देश का दूसरे रक्षा औद्योगिक गलियारे का औपचारिक उद्घाटन किस राज्य में किया जाने वाला है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उत्तर है तमिलनाडु। दोस्तों रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारे का औपचारिक उद्घाटन किया है और देखिए इस गलियारे में 6 महत्वपूर्ण केंद्र होंगे जो त्रिची, सेलम, होसूर, कोवाई, मदुरई और चेन्नई में हो सकते हैं। अब देखिए यह देश का दूसरा रक्षा औद्योगिक गलियारा ही है। पहला गलियारा जो है उत्तर प्रदेश के जो ऑप्शन डी में है के अलीगढ़ में खुला गया है, जिसका उद्घाटन पिछले साल अगस्त में किया गया था, यानी अगस्त 2018 में किया गया था पहले रक्षा औद्योगिक गलियारे का उद्घाटन, और वो भी रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 5 है कि अमेरिकी मैगजीन फॉरेन पॉलिसी ने टॉप 100 ग्लोबल थिंकर्स की सालाना लिस्ट में किस भारतीय को शामिल किया गया है। ऑप्शन है मुकेश अंबानी, बी में नरेंद्र मोदी, सी में अजीम प्रेम जी और डी में नंदन नीलेकणी को। उत्तर है मुकेश अंबानी। दोस्तों मुकेश अंबानी जो है ये टॉप 100 ग्लोबल थिंकर्स लिस्ट में जो अलीबाबा के को फाउंडर हैं और चेयरमैन जैक मा को भी शामिल किया गया है और IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टिन लेगार्ड और TV होस्ट फरीद जकारिया भी इस लिस्ट में शामिल है। तो मुकेश अंबानी के साथ साथ ये लोग भी शामिल है। अब देखिए मुकेश अंबानी के बारे में बात करते हैं कि मुकेश अंबानी वर्ष 2018 में जैक मा को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे बड़े अमीर बन गए थे, तो अमीर व्यक्ति बन गए थे ठीक है 2018 में। और मुकेश अंबानी की मौजूदा संपत्ति 3.05 लाख करोड़ रुपए, अगर देखा जाए डॉलर में तो 4,360 करोड़ डॉलर, जबकि जैक मा जो कि अलीबाबा के को फाउंडर हैं और चेयरमैन भी, उनकी जो संपत्ति के बारे में बात की जाए तो 2.63 लाख करोड़ रुपए, जो कि 3,770 करोड़ डॉलर है। अब देखिए इनको क्यों शामिल किया गया, तो फॉरेन पॉलिसी मैगजीन का कहना है कि जियो की लॉन्चिंग के शुरुआती 6 महीने में फ्री कॉल और डेटा इन्होंने जो उपलब्ध कराया है, इस कारण से दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में स्मार्टफोन इंटरनेट क्रांति में तेजी आई है, इसी वजह से इनको शामिल किया गया है इस लिस्ट में। प्रश्न नंबर 6 कि मैसेडोनिया ने देश का नाम बदलकर क्या रख लिया है। उत्तर है ऑप्शन ए में है उत्तरी मैसेडोनिया, ऑप्शन बी में दक्षिणी मैसेडोनिया है, ऑप्शन सी में मैसेडोनिया गणराज्य और डी में संयुक्त मैसेडोनिया गणराज्य। उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य। देखिए मैसेडोनिया ने 12 जनवरी 2019 को अपने देश का नाम बदलकर उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य यानी कि रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया रख लिया है। मैसेडोनिया के इस निर्णय से ग्रीस के साथ उसका पिछले कई वर्षों से चला आ रहा विवाद समाप्त हो गया है। दोनों देशों के मध्य बातचीत से इस निर्णय पर समझौता किया गया। देखिए उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य नाम रखे जाने पर यूरोपियन यूनियन, संयुक्त राष्ट्र, यूनान एवं अन्य वैश्विक शक्तियों ने मैसेडोनिया के इस कदम का स्वागत किया है। क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए ग्रीस और उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य
नाम को लेकर हुए समझौते में स्पष्ट किया गया कि नए मेसिडोनिया को पुरानी ग्रीक सभ्यता से संबंधित नहीं माना जाएगा। मेसिडोनिया को अब रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मेसिडोनिया के नाम से जाना जाएगा और मेसिडोनियाई भाषा में इसे सेवर्ना मकदूनिया कहा जाएगा। नए नाम की आधिकारिक घोषणा पहले मेसिडोनिया की जनता और ग्रीस की संसद की मंजूरी जो है जरूरी होगी। तो ये कुछ खास था इससे जो प्रभाव होने वाला है। प्रश्न नंबर 7 है कि विश्व का पहला मानवाधिकार को समर्पित टीवी चैनल जो है कहाँ शुरू किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑप्शन ए में है लंदन, ऑप्शन बी में न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी में जिनेवा, ऑप्शन डी में पेरिस है। उत्तर जो हो जाएगा ये देखिए लंदन। ठीक है, तो विश्व का पहला मानवाधिकार को समर्पित टीवी चैनल लंदन में शुरू किया गया है। दोस्तों इसका शुरुआत जो है इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स द्वारा जो है किया गया है। देखिए मानवाधिकार को समर्पित यह टीवी चैनल वेब आधारित होगा, लेकिन यह यूरोप, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व समेत 20 देशों के लोगों के लिए मानवाधिकार से संबंधित मुद्दों पर कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। अब देखिए इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी कि IOHR के द्वारा आरंभ किए गए इस चैनल के ब्रॉडकास्ट को जो है NET नेट GEMJM नेट जेम डॉट टीवी प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकता है। फिलहाल इस चैनल पर अंग्रेजी में कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं, लेकिन आगे चलकर फारसी, तुर्की, अरबी और रूसी भाषा में भी कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। प्रश्न नंबर 8 है कि चंद्रमा के दूसरी ओर यान उतारने वाला पहला देश कौन बन गया है। ऑप्शन ए में है चीन, ऑप्शन बी में भारत, ऑप्शन सी में अमेरिका या ऑप्शन डी में रूस है। उत्तर है दोस्तों चीन। दोस्तों चीन ने चांद के अनदेखे हिस्से पर दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान जो है उतारने में सफलता हासिल कर लिया है और चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन ने घोषणा की कि यान जो है चंगाई E4 ने चंद्रमा की दूसरी ओर की सतह को छुआ है। चांद के इस हिस्से को डार्क साइड भी कहा जाता है। देखिए प्रक्षेपण जो है चांग E4 का प्रक्षेपण जी चांग के प्रक्षेपण केंद्र से 8 दिसंबर 2018 को लॉन्च मार्च 3B रॉकेट के जरिए किया गया था। चीन को 3 जनवरी 2019 को सफलता हासिल हुआ और यह यान अपने साथ एक रोवर भी लेकर गया था। लो फ्रीक्वेंसी रेडियो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन की मदद से चांद के इस हिस्से के बारे में पता लगाया जाएगा। देखिए चंद्र अभियान चांग E4 का नाम चीनी पौराणिक कथाओं की चंद्रमा देवी के नाम पर रखा गया है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि येलो आंदोलन यानी कि मूवमेंट जो है येलो मूवमेंट की शुरुआत कहां से किया गया। ऑप्शन ए में लंदन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी या ऑप्शन डी अमेरिका। उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि फ्रांस से किया गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि येलो वेस्ट आंदोलन क्या है। देखिए फ्रांस में तेल की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि के बाद सबसे पहले सोशल मीडिया पर इस नाम का लिखना शुरू किया गया और येलो वेस्ट आंदोलन जो है फ्रांस में सबसे पहले फ्यूल टैक्स में बढ़ोतरी और यातायात के प्रदूषक कारकों पर टैक्स में प्रस्तावित वृद्धि के खिलाफ शुरू हुआ था। आगे चलकर इस आंदोलन का राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन सरकार की नीतियों के विरोध के रूप में विस्तार हो गया। प्रदर्शनकारी अधिक वेतन, कर में कमी, वेतन पेंशन, यहाँ तक कि राष्ट्रपति की इस्तीफा की भी मांग कर रहे थे। पेरिस की सभी दुकानें, म्यूजियम, मेट्रो स्टेशन और एफिल टावर को बंद कर दिया गया। हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए सभी फुटबॉल मैच और म्यूजियम शो को भी कैंसिल कर दिए गए थे। येलो वेस्ट प्रदर्शन को इसलिए भी अभूतपूर्व माना जा रहा है क्योंकि 17 नवंबर 2018 को हुए पहले प्रदर्शन में 282,000 लोग शामिल हुए थे। तो इम्पोर्टेंट है ये बहुत ही। अब देखिए येलो वेस्ट नाम क्यों पड़ा, इसको येलो मूवमेंट क्यों नाम पड़ा। तो फ्रांस की तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद प्रदर्शनकारी जो है पीले रंग के जैकेट पहनकर सड़कों पर उतर आए थे।
जो भी इस प्रदर्शन में जुड़ता रहा वो भी पीले रंग के जैकेट पहनकर इसे विशेष रूप देता रहा। इस पीले रंग के जैकेट की पहचान कर जो है आंदोलन किए जाने के कारण ही इसे इसका नाम जो येलो वेस्ट आंदोलन रखा गया है। प्रश्न नंबर 10 है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया। एक्चुअली प्रश्न जो है बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, उत्तर है महाराष्ट्र में। एक प्रश्न और यहाँ बनता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे अधिक पदक किस राज्य की टीम ने जो है जीता है, तो वो भी दोस्तों महाराष्ट्र ही होगा। अब आइए बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो है शुरुआत 9 जनवरी 2019 को किया गया था और यह गेम जो है 20 जनवरी तक चला। ठीक है, अब देखिए इसका आयोजन पुणे में जो समापन हुआ वो पुणे में इस समारोह का समापन हुआ और इस खेल में जो है महाराष्ट्र 227 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि दिल्ली जो है 136 पदक के साथ जो है तीसरे स्थान पर रही थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और सबसे बड़ी घोषणा जो हुआ है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी मौजूद थे और घोषणा ये हुआ है कि अब हर स्कूल में 1 घंटा खेल के लिए जो है दिया जाएगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये न्यूज़ एक तरह से सभी स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए भी। दोस्तों मैं वापस आपको इस प्रश्न पर लेकर आया हूँ क्योंकि कुछ बात और भी जो है जीके से रिलेटेड आप जान लीजिए। देखिए चीन की एक और अंधेरा क्यों रहता है, जाहिर सी बात है थोड़ी चमक रहे, चांद को जो है चांद जो है चांद का जो दूसरे तरफ का अंधेरा क्यों रहता है, यानी एक तरफ जो है प्रकाश दूसरे तरफ अंधेरा क्यों रहता है। तो देखिए चांद का हमेशा एक ही हिस्सा हमें इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जिस गति से पृथ्वी के चक्कर लगाता है वो उसी गति से अपनी धुरी पर भी वो चक्कर लगाता है। तो इसी कारण जो है चांद का एक हिस्सा हमें नहीं दिखाई देता है, यानी कि जब चांद जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है जो जिस गति से उसी गति से क्या करता है वो अपनी एक्सिस पे यानी धुरी पर भी चक्कर लगाता है, इसलिए जो है चांद का हमेशा एक हिस्सा अंधेरा ही रहता है। अब देखिए चंद्रमा, स्मरणीय तथ्य में याद रखेंगे कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और यह सौर मंडल का पांचवा सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। इस बात को याद रखेंगे कि सौर मंडल का पांचवा सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी के मध्य से चंद्रमा के मध्य तक दूरी, यानी पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी जो है 384,403 किलोमीटर है। यह दूरी पृथ्वी की परिधि के 30 गुना है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के 1/6 है। तो इस बात को भी याद रखें कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 1/6 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अपन नोट कर लीजिए। यह पृथ्वी की परिक्रमा जो है 27.3 दिन में पूरा करता है और अपने अक्ष के चारों ओर एक पूरा चक्कर भी 27.3 दिन में ही लगाता है। तो इसलिए मैं आपको इस प्रश्न वापस लेकर आया था। दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए, साथ साथ कम से कम 3 लोगों जरूर शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए नोटिफिकेशन पाने के लिए सबसे पहले। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।